आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज 24/7। मैं हूँ आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। पांच अगस्त 2019 तारीख के लिए अहम, हमेशा याद रखा जाएगा, वजीर अजम नरेंद्र मोदी। एलजी मनोज सिन्हा ने नौगाम में 150 बिस्तरों वाले उजाला सिग्नस कश्मीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का इफ्तिताह किया। चीफ सेक्रेटरी ने मखामा एचएनपी के ऑनलाइन पोर्टल का ई इफ्तिताह किया। अब पेश है खबरें तफसील से। पांच अगस्त 2019 तारीख के लिए अहम, हमेशा याद रखा जाएगा, जब कश्मीर को दो मरकजी इलाकों में तकसीम करके बेमिसाल तरक्की और अमन का माहौल कायम हुआ है, वजीर अजम नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नौगा में 150 बिस्तरों वाले उजाला सागर कश्मीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि तमाम जदीद तिबी सहूलियात से आरास्ता नया जदीद तरीन अस्पताल मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौका पैदा करने के अलावा जम्मू व कश्मीर के लोगों को सेहत के मियारी खिदमात को यकीनी बनाने की हुकूमत की कोशिशों को तकवीत देगा। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के ऑनलाइन रूम बुकिंग पोर्टल का ई इफ्तिताह किया। उन्होंने सर्किट हाउस जम्मू में एक इजाफी रिहायश ब्लॉक का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मालियात विवेक भरद्वाज भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने आज राजौरी में शाहदरा शरीफ में बाबा गुलाम शाह बादशाह के मजार पर हाजिरी दी। उन्होंने कैंपस का मुआयना किया और जायरीन के लिए सहूलियात का जायजा लिया और मजार के अकाउंट्स का ऑडिट भी किया। हमारे नुमाइंदे जहीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल कंजलवन में टीचर्स न होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं होती है। पिछली बार गोल्डन टेस्ट में एक बच्ची पास हुई थी। इस हाई स्कूल में टोटल 17 टीचर्स तैनात हैं, मगर बदकिस्मती से 5 टीचर्स ही स्कूल में मौजूद होते हैं। वहाँ के लोगों के साथ साथ BDC चेयरमैन मुख्तार अहमद लोन ने भी DC बानीपुरा और CO बानीपुरा से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द स्कूल में टीचर्स को तैनात किया जाए। मैं इस वक्त हाई स्कूल कंजलवन के पास खड़ा हूँ। यहाँ पर पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद है। हम इस वक्त स्कूल में आए थे। यहाँ पर टोटल 5 टीचर जो मौजूद है, बाकी 13 टीचर है वो यहाँ से आउट है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ LG इंतज़ामिया से, DC बांडीपोरा और CO बांडीपोरा से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर जल्द अज जल्द जितने भी टीचर यहाँ पर वैकेंट पोस्ट है उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पर भेजा जाए। साथ में यहाँ प्राइमरी स्कूल जो है वहाँ पर टोटल 2 टीचर है, जो जबकि वहाँ 6 होने चाहिए थे। मैं इनसे अपील करता हूँ कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी स्टाफ पहुँचना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर हम इन दोनों स्कूलों को लॉक कर देंगे। हमारे नुमाइंदे कामरान अली कासमी की रिपोर्ट के मुताबिक शाहनवाज चौधरी DDC सिरनकोट ने आज सिरनकोट का दौरा किया और परनाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 37.5 मेगावाट ड्राबा सिरनकोट पर CITU के एहतजाज की हिमायत की, जहां यूनियन वर्कर्स अपनी उजरत और दीगर हकीकी मुतालबात और हिफाजती साजो सामान के साथ साथ गैर जरूरी तौर पर हिरासा करने और टॉर्चर के लिए गुज़श्ता पीर से एहतजाज पर धरना दे रहे थे। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में शहदाए करबला की याद में पानी की सबीले नसब कर दी गई हैं, जो मुसलसल 14 मुहर्रमुल हराम तक जारी रहती है। इधर सदकदल श्रीनगर में भी मुहर्रम के बड़े जुलूस बरामद हुए। आइए देखते हैं JKNS के लिए मुस्तफ़ा जमील और मुदस्सर की ये रिपोर्ट। हमेशा बयान करान सोन अलमा बयान करान कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ वन
حسین چھو میانہ سی تہ بہ حسین سن سی برو کال مطلب تم وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن برو مطلب تمہ سات یم سات تہ کن تہ وز کان جنگ اس سپدان قفرس حقس تہ بوتلس درمیان تک اس گڈ آب بند کر گڈ اس آب رٹن اس لیے سون پیغام یہ سبیل حسین علیہ الصلوۃ والسلام امہ موجوب اتھ منعقد کورمت تاکہ ساری تریشہ ہچن تریش دہس کارس نیران سان سانہ بیہ نیران کارس سانہ لڑکہ سان اولاد مول مول نیران سان کارس تم بچار تھکت ثنت اور کم سے کم تم یہ ثواب ہکو کر تم تم جانوک اس تریش ان شاء اللہ فسٹ محرم پہ اہس کورمت منعقد یتھ تو ان شاء اللہ پکان پکان فی الحال تو لگ بھگ ان شاء اللہ الرحمٰن دہمس محرم کم سے کم گھر دہمس محرمس تام ان شاء اللہ الرحمٰن برابر یتن روزن چالو نو 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 یہ خالی شیعہ کمیونٹی کیتھ مطلب اگر بہ کیمرا مین بھس ون یوکن ہو اکثر اکثر بیشتر سن سنی برادری بھائی تریش پہ ناٹ ناٹ اونلی شیاز سن سنی برادری بھائی تم مالی معاونت تہ کر نہ کہ خالی تریش دان اتروٹ کر بلکہ مالی معاونت تران یہ پیغام سید احمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس نونر گاندربل میں منایا گیا۔ اس جشن میں مختلف علاقوں سے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ لوگوں نے تکیہ نونر سے ریلی نکالی اور آستان عالیہ پر پہنچے۔ انہوں نے جموں و کشمیر کے لوگوں کی امن خوشحالی اور خوشی کے لیے دعا بھی کی۔ مقامی پنڈت بھی اس موقع پر ان کا استقبال کرنے کے لیے مسلمان پڑوسیوں کے آستان عالیہ اور گھروں پر گئے۔ منشیات کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھتے ہوئے سوپور پولیس نے آج ایک منشیات فروش کو گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے 300 گرام بظاہر براؤن شوگر جیسا مادہ برامد کیا۔ گرفتار منشیات فروش کی شناخت سناولہ شالہ ولد محمد سبحان شالہ ساکنہ اوگل آباد آرم پورہ سوپور کے طور پر کی گئی ہے۔ خبروں کا آج کا شمارہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ بھی اسکرین پر دیے گئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہمیں اپنے علاقوں سے فیضیاب کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شب بخیر۔